क्लास नाइन्थ। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। लॉकडाउन में कैसी पढ़ाई चल रही है? देखो, आप समय का इस्तेमाल करो। नहीं, आप जब स्कूल खुलेंगे सब लोग बच्चे आएंगे, सब पढ़ने लग जाएंगे और काफी होमवर्क होगा, सभी तरीके की परेशानी होगी, तो इस तरीके से आप परेशान रहेंगे उसमें। अभी आप घर बैठे हैं, घर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो मन लगा करके पढ़ो। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे ग्रुप वाला, जो स्कूल का ग्रुप है उसमें, या फिर उस वहाँ से आप मेरा पर्सनल नंबर ले लो, वहाँ से फिर ग्रुप में आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है, मैं उस टॉपिक को आपको पर्सनली या फिर कैसे भी डील कर दूंगा आपको, है ना। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स मैंने क्लियर करा दिया था, आपको समझा दिया था, जिसमें लेक्चर 6 मिसिंग था, वो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, आज केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर और बुक का जो पहला चैप्टर, बुक का पहला चैप्टर और केमिस्ट्री का एक पहला चैप्टर है, ये मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब होता है पदार्थ, और पदार्थ का मतलब क्या होता है? वस्तु, और वस्तु का मतलब क्या होता है? वो सब कुछ जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो। वॉट एवर यू आर वॉचिंग इन योर सराउंडिंग्स, जो कुछ भी देख रहे हो वो सब के सब क्या है बेटा? पदार्थ है, मैटर है। मैटर डेफिनेशन के अंदर आता है। अब प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही वेदों में भी लिखा हुआ है कि जो पूरी पृथ्वी है, ब्रह्मांड में कुछ भी है, वो सब 5 तत्वों के मिलने से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर, ऐसे कहते हैं पुराने बूढ़े बुजुर्ग। ये कहते हैं कि भाई क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तंत्र से बना शरीर है। अब यही चीज को इंग्लिश में साइंस भी कहता है कि जो ईच एंड एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग हैज बीन मेड अप ऑफ वाटर, एयर, स्काई, अर्थ। वाटर, एयर, स्काई, अर्थ और एक फायर। हाँ, एक फायर। 5 चीजों से मिलकर के हमारी पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो ये तो हमारा वेदों का कहना है, हम साइंस पढ़ रहे हैं और वो भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है, इन्हीं सारी चीजों से सब कुछ बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैटर में पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैटर, ये टिक करना है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। तो मैटर क्या होता है? सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर किसे कहेंगे? मैटर की क्या प्रॉपर्टी होगी? कहने का मतलब क्या है? हम कहते हैं भाई फलाने चीज घी है, तो कोई चीज दिखा रहा हूँ, दूध दिखा रहा हूँ मैं आपको, आपने देख के बाद कह दिया भाई ये दूध है, मिल्क है। आप कैसे करते हो मिल्क? क्योंकि आपके माइंड में पहले से भी इसकी प्रॉपर्टीज आपने फील कर लिया है, देख लिया है, पी लिया है दूध को पहले से भी, तो ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी देख रखा, माइंड को याद है। कोई नई चीज दे दूंगा आपको, कहेगा सर मुझे नहीं पता है क्या है। तो मैटर क्या होता है? तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उन प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप कह सकते हो हाँ सर गिवन चीज मैटर है या फिर नहीं है। जैसे मैंने कहा भाई हैप्पीनेस, मैंने क्या कहा? हैप्पीनेस, तभी मैटर है क्या? खुशी, बड़ी खुशी, छोटी खुशी, उसका क्या उतार है, क्या आकार है, क्या रूप है, क्या स्मेल है? हैप्पीनेस की कोई स्मेल होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। उसका रूप होता है क्या? नहीं होता है। साइज होता है क्या? नहीं होता। उसको टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ये मैटर नहीं है। वैसे दुनिया की वो सारी चीजें जिसमें कुछ मास हो, जिसमें कुछ वजन हो, या वो स्पेस घेरता हो, क्या स्पेस घेरता हो, या फिर 5 सेंस ऑर्गन है आपके पास, 5ों में से किसी एक के द्वारा फील कर सकते हो, वो मैटर है। मैंने जो लाइन बोला उसको गौर से सुन लेना। मैंने कहा बेटा कि दुनिया का वो सब कुछ जिसमें कुछ मास हो या वो वॉल्यूम मैंने स्पेस घेरता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, या अपने 5 सेंस ऑर्गन में से किसी एक से या एक से अधिक से आप उसको सेंस कर सकते हो। जैसे ये दीवार, ये बोर्ड है बेटा, इस बोर्ड को हम स्किन से टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड मैटर। ये डस्टर है, इसको टच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो?
सब्जी है उसको स्मेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? स्मेल से और तुम टच भी कर सकते हो उसको, तो एक से अधिक सेंस ऑर्गन से, एक सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो बेटा? इट इज द सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर सेंस ऑर्गन आउट ऑफ द फाइव सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर, इज कॉल्ड मैटर। तो मैंने ये समझाना चाहा बेटा कि मैटर किसे कहते हैं। तो मैटर समझ में आ गया होगा, मैटर वो चीज है हमारे आसपास में पाई जाने वाले सभी चीजें, सभी वस्तुएं जिसमें या तो कुछ मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर वो अपने पांच सेंस ऑर्गन में से किसी को भी हम किसी से भी फील कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कहोगे सर कुर्सी तो चलो मैटर है, वाटर मैटर है, एयर, एयर क्या मैटर है सर? आप कहोगे, आपके माइंड में आएगा कि इज एयर अ मैटर? क्या हवा जो है कोई मैटर है? यस और नॉट? आपके माइंड में आएगा हम तो हवा में खड़े, कहां जगह गिर रहा है हवा? हवा कहीं जगह ही नहीं गिर रहा। आपके माइंड में चीज आएगा ना? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ये मैटर है, लेकिन इनके गैप्स इतने ज्यादा हैं कि आप इजिली इनके अंदर आप रह सकते हैं। इज इट क्लियर? ये कॉम्प्रेस किया जा सकते हैं, मतलब हम जब चलते हैं तो एयर को कॉम्प्रेस करते हैं, उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर ये टाइटली पैक्ड होते, अगर ये घनिष्ठ होते, डेंसिटी हाई होती, तो हम नहीं कर पाते। अब एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वजन होता है कि नहीं होता है, आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। आप बैलून ले लो, बैलून में हवा भर दो, अब बताओ, अब उसको दबाते हैं तो दबता है, आपको जोर लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है? क्यों? क्योंकि भाई उसको रोक रखा है किसी चीज ने, बैलून के बाहर सरफेस ने उसको रोक रखा है, इसलिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है उस हवा को हटाने के लिए। लेकिन यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए एयर मूव कर रही है, एयर मूव कर रही है, इसलिए आप भी मूव कर रहे हैं। एयर में आपको पता नहीं चल रहा हमारे आसपास में एयर प्रेजेंट भी है या नहीं है, तो है, एयर एक मैटर है, इसमें भी मास होता है और ये भी ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को। तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन, हम एक बढ़िया सा डेफिनेशन लिख लेंगे कि मैटर क्या होता है। तो लिखो बेटा, इट इज द सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग्स which has some mass and occupies space and it can be felt by any one or more sense organs. Is called matter. अब मैटर तो हमने समझ लिया बेटा, मैटर किसे कहते हैं? मैटर का डेफिनेशन मैंने लिखा बेटा कि जिसमें कुछ मास हो, मास का मतलब वजन, जिसको उठा दो तो कुछ में वजन लगता हो, वजन हो और वो जगह घेरता हो। जैसे ये स्पीकर है, ये हमने अपने हाथ में रखा है, अब इसी जगह पे कुछ रखना चाहते हैं तो हम नहीं रख पाएंगे, तब तक नहीं रख पाएंगे जब तक इसको डिस्प्लेस नहीं करें। इसका मतलब ये जगह घेर रखा है ना, जगह घेर रखा है कि नहीं घेर रखा है? तो ये चूंकि जगह घेर रखा है इसलिए ये कहलाता है मैटर, प्लस में इसमें वजन भी है, मास भी है, तो ये क्या है? ये मैटर है और इसको मैं फील भी कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, इसके वजन को महसूस कर सकता हूँ, तो ये कहलाता है मैटर। तो ये मैटर की डेफिनेशन थी बेटा। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो दो चीज आधार बनाएगा, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे डिवाइड किया गया और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो अब यहां पे समझना है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि देखने में कैसा है, जैसे इसका कलर क्या है, कलर, स्मेल, साइज, कलर, स्मेल, साइज, टच करने में कैसा है, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा बेटा, बर्न करने में क्या होगा, ठीक है, अगर हम किसी चीज को बर्न करेंगे तब क्या होगा, किसी चीज से कंबाइन करेंगे, रिएक्ट टू अदर सब्सटेंस, तब क्या होगा। तो ये आधार था, ये बेसिस था केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, आप देखने से ही पहचान सकते हो कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, टच करके, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार है। कलर क्या है, साइज क्या है, स्टेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, एक स्टेट और लेवल स्टेट, ठीक है बेटा। तो क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे किया गया, एक किया गया फिजिकल बेसिस पे और एक केमिकल बेसिस पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या हुआ, कैसे हुआ फिजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर खास बात क्या है, कैसे फिजिकली हम लोग पहचान सकते हैं कि ये मैटर है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और एक ये पार्टिकल्स कितना स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे कह सकते हैं, मतलब कितना बड़ा होता है ये पार्टिकल, कह रहे हैं आपको मार्कर दिख रहा है, मार्कर, मार्कर भी एक पार्टिकल से बना हुआ है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल कितना छोटा होगा। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक ग्लास ले लो और ग्लास के अंदर थोड़ा सा कलर डाल दो, फिर क्या करो उसमें और पानी डालो, पहले केस में क्या था कि कलर क्लियर दिख रहा होगा, फिर और पानी डालो कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, और पानी डालो और लाइट हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसा आएगा, पानी डालते जाओ एक कंडीशन ऐसा आएगा जब कलर आपको पता ही नहीं चलेगा कहां कलर गया, आपका कलर का पार्टिकल तो उसी में था, लेकिन वो पार्टिकल सब आपको दिख नहीं रहा, वो पार्टिकल्स जो हैं जिस जो कलर वाटर में जो डिजॉल्व है वो आपको दिख नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, जो हम देख पाते हैं एक्सटर्नली वो ग्रुप पार्टिकल्स को देख पाते हैं, अकेला एक पार्टिकल को नहीं देख पाते। अब चूंकि वो पार्टिकल वाटर के रिस्पेक्ट में अकेला हो गया, ढेर सारा वाटर पार्टिकल के बीच में वो दिख ही नहीं रहा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट हो गया, समझ में आता है। तो हम क्या देख पाते हैं, ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स को देख पाते हैं, एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल्स को देख पाते हैं, जैसे मार्कर देख रहे हैं तो इसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल्स हैं, उसको हम देख पा रहे हैं, एक पार्टिकल्स को देख नहीं पाएंगे। तो लिख दो बेटा कि वी सी द एग्रीगेट
aggregate of the particles. हम लोग पार्टिकल्स के एग्रीगेट को देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, ये जो मैटर है, मैटर जो है किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। तो उस पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स। तो अगला हेडिंग दे दो बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। तो जो सबसे पहला पार्टिकल होता है, जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है वो है द पार्टिकल्स ऑफ द मिड, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ये कैसे कर सकता है भाई, ये कैसे कर सकते हो आप कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कंटिन्यूअसली मूविंग? बिल्कुल मूविंग है मेरे प्यारे बच्चों। एक सेंसिंग स्टिक लो, सेंसिंग स्टिक समझते हो ना, अगरबत्ती, अगरबत्ती को जब सबसे पहले आप नाक के करीब रहता तब स्मेल आता है। अब क्या करो, अगरबत्ती को एक कोने में जला दो, बर्न कर दो और दूसरे कोने में बैठ जाओ, वो अगरबत्ती की स्मेल वहां तक पहुंच जा रहा है। पहला केस में क्या था कि अगरबत्ती नजदीक नाक के लाने पे ही खुशबू दे रहा था, और दूसरे केस में दूर बैठे हैं तब ये जो अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस है दूर कोने तक पहुंच गया। ये कैसे हुआ? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। उसके बाद अगला प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैज स्पेस इन बिटवीन देम, इन बिटवीन देम। अब इसको कैसे समझेंगे, जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर है उनके बीच में स्पेस कैसे कर सकते हो आप? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करो, एक गिलास में पानी लो, ठीक है, और उसमें दो चम्मच चीनी डालो, घुल दो। अब पानी जितना लेवल था, सपोज इस चीज को ऐसे समझाओ, एक गिलास ले लो, इस गिलास में हमने पानी भर दिया, इस गिलास में हमने पानी भर दिया। अब क्या करा कि हमने चम्मच से इसमें चीनी डाला है, क्या करा है, टू स्पून, दो चम्मच चीनी डाला। अब इसका जो लेवल था, ये लेवल बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप करके देख सकते हो अपने घर में, ये पानी का लेवल ऊपर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताओ, यस और नॉट, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आपके समझ से ये भाई, ये मैटर है वो तो जगह घेरती है, तो अगर पानी पहले से ही है और उसमें चीनी भरा तो ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसका लेवल सेम रहेगा। क्यों भाई? इसका मतलब यह था बेटा कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप था, जिसमें चीनी जो है, शुगर जो है, वो इंटर किया। दैट्स व्हाई द वाटर लेवल इज नॉट इंक्रीज्ड। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में अगला जो टॉपिक है वो हमारा वो ये है कि
थर्ड प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि ये मार्कर है, मार्कर को आप तोड़ो, आपको ताकत लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे, ये पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसीलिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे से, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक दूसरे को तोड़ने में एक फोर्स लगा, तो जब इसके अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो टूट जाएगा। उसी प्रकार एक चौक लो, चौक को तोड़ो, चौक को इजिली टूट जाएगा, क्यों? उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स था, ऐसा नहीं है उनके बीच में, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स कम था। डंडा को तोड़ने में ताकत क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उनके बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। समझ में बात आ रही है? तो ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। डस्टर, डस्टर को तोड़ूंगा मैं तो नहीं टूटे, क्योंकि इनके ये सॉलिड है और इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स भी क्लियर हो गया। एक मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ होता है, और पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होता है, जो हम देखते हैं वो एग्रीगेट ऑफ द पार्टिकल को देख पाते हैं। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये मूविंग होते हैं, दूसरी बात इनके बीच में स्पेस होता है, और तीसरी बात यह है कि ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो आज इतना ही, आप इसको लिख लेना नोटबुक में, और अगर बताना है कि आपको कितना समझ में आया नहीं आया, ठीक है बेटा, मैटर का अगला टॉपिक कर लो, ठीक है, ओके, थैंक यू।